परम पिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम के लिए, उस अनुग्रह के लिए प्रभु जो आप अपने लोगों पर बनाए रखते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके पवित्र वचनों के लिए, धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा के लिए, ताकि प्रभु हम आपकी बातों को पवित्र आत्मा के नज़रिए से आपके वचन में जाकर देखें और हमें स्पष्ट रूप से पवित्र आत्मा उन वचनों के द्वारा ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि हम आपने हमारे लिए क्या क्या योजनाएं बनाई हैं और आपकी इच्छा सब प्रत्येक मनुष्य जाति के लिए क्या है और आप किस प्रकार से हमको अपने प्रेम की संति इस लेवल तक ले जाना चाहते हैं ताकि हर एक व्यक्ति आपकी महिमा का कारण बने और ये धरती प्रभु आपके लोगों से बढ़े और इस धरती पर आपके लोग बढ़ें, आपका राज्य बढ़े और आपकी महिमा प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक परिवार के द्वारा प्रकट हो, ताकि आपका नाम जो महिमा के योग्य है उसके नाम के योग्य महिमा होने पाए और हमारा जीवन आपकी महिमा से परिपूर्ण होकर आपकी महिमा का कारण बने। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी योजनाओं को आज अपने जीवन में रिसीव करते हैं और चाहते प्रभु कि ये काम आपका पवित्र आत्मा कर रहा है, हम तो केवल एक माध्यम हैं और हम एक प्रकार से पवित्र आत्मा के हाथों में एक इंस्ट्रूमेंट की तरह हैं, ताकि पवित्र आत्मा की मर्जी हमारे जीवन से पूरी हो और आपकी योजनाओं को पवित्र आत्मा प्रकट करे, आपकी इच्छा को प्रकट करे और प्रत्येक मनुष्य पवित्र आत्मा की सहायता से इन बातों को समझने पाए और आपकी महिमा उसके जीवन में प्रकट हो, वो भी आपका दर्शन पाए। जितने लोग प्रभु आपके दर्शन के अभिलाषी हैं, आपके आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा इन बातों को सुनकर और देखकर प्रभु उन्हें आपको स्पष्ट रूप से आपका दर्शन प्राप्त हो और आपकी महिमा प्रकट हो, जिसके लिए प्रभु आपने अपने पवित्र वचन और पवित्र आत्मा हमारे बीच में रख छोड़े हैं, ताकि प्रभु आपकी महिमा हो सके। धन्यवाद के साथ हम इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर अद्भुत और महान कार्य करना चाहता है और वो शुरू से अद्भुत कार्य करता आया है और शुरू से अपने प्रेम को, जो महान प्रेम है, प्रकट करता आया है और अंत में प्रभु ने अपने पुत्र, परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा अपने प्रेम को प्रकट किया और हमारे पापों का बलिदान उसके द्वारा पूर्ण किया, ताकि हम उसके पुत्र के द्वारा उस जीवन को प्राप्त करें जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। हम आज आपके बीच में फिर से इसी विषय को जो कल मैंने शेयर किया था, टैबरनेकल को, हम फिर से लेके आए हैं मूसा के तंबू के द्वारा उस दर्शन को जो आपको और हमको इस तंबू में जाने से और परमेश्वर के वचन के द्वारा जब हम पवित्र आत्मा की सहायता से इस तंबू के को देखते हैं, इसका निरीक्षण करते हैं, इसका अध्ययन करते हैं, तो हमें पवित्र आत्मा इसमें आपकी उन योजनाओं को जो छिपी हुई हैं, आपकी उस प्रेम को जो पुत्र के द्वारा आपने प्रकट किया है, वो सब चीज़ें हमें इसमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे सकें और हम और आप परमेश्वर के राज्य में कहाँ खड़े हैं, हम परमेश्वर की उपस्थिति के स्थान में कहाँ पर आज उपस्थित हैं, उसका उसकी ज्योग्राफी भी हमको इसमें देखने को मिले, ताकि परमेश्वर के पुत्र के द्वारा केवल उद्धार ना प्राप्त हो बल्कि उद्धार से भरा जीवन भी हो और उसकी महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो जिसके लिए वो हमें उद्धार देता है। इसलिए हम उद्धार से और आगे बढ़ें और हम देखें कि आज हम आत्मिक तौर पर कहाँ खड़े हैं और हमको कहाँ होना चाहिए था समय के हिसाब से। इसलिए हम फिर से आज आपको इसी बात को, इसी विषय को लेकर आगे बढ़ेंगे और हम बोर्ड की तरफ चलेंगे और आज आपके साथ इस बात को शेयर करना चाहते हैं कि मूसा के तंबू में प्रभु यीशु मसीह का दर्शन आपको मिलेगा, क्योंकि ये एक देह को दिखाता है, एक बॉडी को जो संसार में उपस्थित करके परमेश्वर ने एक तंबू को बनवाया था इस संसार में, ताकि परमेश्वर की उपस्थिति को लोग प्रकट रूप से देख सके। लेकिन उपस्थिति में प्रवेश अलग बात है, उपस्थिति के स्थान को वो देख सके, जिसे हम मूसा के तंबू के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं टैबरनेकल ऑफ मोसेस। और इसीलिए आज मैंने हेडिंग रखी है,
our spiritual picture in the tabernacle. आज हम अपनी आत्मिक दशा को और अपने आप को इस दर्शन में देखेंगे, इस तंबू के दर्शन में, जैसे परमेश्वर ने जो तंबू बनाया था वो तंबू इस संसार में था, जिस प्रकार हम ये शरीर के साथ इस संसार में मौजूद हैं और हमारा जो बाहरी शरीर का जो संपर्क है वो संसार से है, जैसे यहाँ पर लिखा है ये चारों तरफ संसार है और संसार के ऊपर, धरती के ऊपर परमेश्वर ने अपने निवास स्थान को बनाकर ये दर्शन दिए देने की कोशिश की थी कि लोग इसे देखें और सोचें कि परमेश्वर कैसे गुप्त रूप से तंबू के अंदर वास कर रहा है और परमेश्वर यहाँ से मानव जाति से संपर्क स्थापित कर रहा है और उन्हें उद्धार के संदेश को दे रहा है। तो यहाँ पर जो विधियाँ चल रही थी वो उस जमाने में एक प्रकार से सुसमाचार था कि बलिदान के बिना और शुद्धिकरण के बिना कोई परमेश्वर की उपस्थिति में आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए इसमें तीन स्टेप आपको देखने को मिलेंगे। इन तीन स्टेप को देखने से पहले मैं आपके साथ इस तीन एंट्रेंसेस के बारे में कुछ सच्चाई बताना मांगता हूं। ये तीनों जो एंट्रेंसेस हैं, गेट, द्वार और पर्दा, ये तीन एंट्रेंसेस या तीन प्रवेश करने के जो स्थान थे, माध्यम थे, ये तीनों के तीनों, इनकी खूबी ये थी कि तीनों पर्दे से बने हुए थे और ये पर्दा ही होता था और ये तीनों एक ही फैब्रिक के पर्दे से बने थे, एक ही कलर था तीनों का और इसमें तीन कलर का इस्तेमाल किया गया था, लाल, आसमानी और सफ़ेद, और ये तीन कलर के पर्दे ये तीनों जगहों पर पड़े होते थे। इन कलर्स के अंदर भी भेद छिपे हुए हैं और ये कलर्स, सफ़ेद पवित्रता का प्रतीक है और उसमें जो नीला था वो आसमानी यानी डिविनिटी का प्रतीक होता था और लाल जो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें छुटकारा मिला उसका प्रतीक होता था, यानी बलिदान का प्रतीक होता था, लहू का प्रतीक होता था। और ये तीन प्रकार के पर्दे, तीन कलर के पर्दे होते थे और इन कलर, इन पर्दों की साइज भी एक होती थी। बस फर्क इतना था कि जो गेट का, जो फाटक का पर्दा होता था वो थोड़ा लंबा होता था क्योंकि उसकी हाइट ज़्यादा नहीं थी और वो 10 फीट हाइट में था। और इस प्रकार से तीनों की जो टोटल एरिया था पर्दे का वो 100 क्यूबिक्स था, यानी 100 वर्ग फीट, और ये तीनों पर्दों का साइज एक था और ये आयताकार था यानी रेक्टेंगुलर जो गेट था, और जो दो पर्दे अंदर के थे यानी परम पवित्र स्थान के प्रवेश का द्वार और परम पवित्र स्थान का जो पर्दा था, ये दोनों पर्दे स्क्वायर शेप में थे और स्क्वायर ये भी 100 क्यूबिक फीट थे। और ये स्क्वायर का मतलब होता है परफेक्शन, ये इसके जो शेप है पर्दे का या एंट्रेंस का, ये यीशु मसीह को दिखाता है कि उसके बिना कोई परफेक्शन में प्रवेश नहीं कर सकता। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा था, द्वार मैं हूँ, पर पवित्र स्थान का द्वार यीशु मसीह है। फिर इसके बाद इसमें जो चीज़ देखने वाली थी वो ये थी कि जो दरवाज़ा है और जो पर्दा है, यानी तीनों एंट्रेंसेस, ये तीन स्टेजेस को दिखाते हैं हमारी जीवन में। जैसे हमने आपको पहले भी बताया, ये तीन स्टेजेस ये थी कि जस्टिफिकेशन बाय फेथ, ये पहला स्टेज जो है, स्टेप वन हमने जिसको लिखा है थ्रू द गॉस्पल, ये पहला स्टेज था कि जब कोई व्यक्ति यहाँ से यहाँ पे पहुँच जाता था, जस्टिफिकेशन बाय फेथ का मतलब विश्वास के द्वारा वो धर्मी घोषित होता था और वो यहाँ आंगन तक आ सकता था, ये उसका स्थान था। आत्मिक तौर पर हमें और आपको ये देखने को मिल जाता है कि आज हम कहाँ पर खड़े हैं, क्या हम आंगन में खड़े हैं या हम द्वार से प्रवेश करके परिपवित्र स्थान में प्रवेश कर चुके हैं, ये हमको पता चलता है। और दूसरा स्टेप था, स्टेप टू वो था, वो हमारे प्राण को दिखाता है, सैंक्टिफिकेशन बाय द होली स्पिरिट, ये दूसरा स्टेप था और ये थ्रू द होली स्पिरिट, बिना पवित्र आत्मा के कोई व्यक्ति यहाँ पर नहीं पहुँच सकता है। जब आप सुसमाचार पर विश्वास करके करते हैं उसी समय आपको पवित्र आत्मा गिफ्ट के तौर पर दिया जाता है ताकि आप, पवित्र आत्मा आपको यहाँ तक पहुँचा दे, आप द्वार से प्रवेश पा जाएं। और ये बिना यीशु मसीह के पवित्र आत्मा कार्य नहीं करता, इसलिए पवित्र आत्मा यीशु मसीह है जो हमको पवित्र आत्मा देता। द बैप्टाइजर ऑफ द होली स्पिरिट इज ओनली जीसस क्राइस्ट।
without Jesus and nobody can give you the baptism of the Holy Spirit. कोई भी आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं दे सकता था, नहीं दे सकता है और नहीं दे सकेगा, क्योंकि ये eternal truth है कि यीशु मसीह के अलावा, इस बात की गवाही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने की थी कि वो मेरे पीछे जो मेरे बाद जो आ रहा है वो मुझसे श्रेष्ठ है और वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा और वो baptizer of the Holy Spirit is only Jesus Christ. और यीशु मसीह हमको यहाँ तक पहुँचने के लिए जो आईडी चाहिए, जो हमको आईडी यानी पहचान चाहिए वो है पवित्र आत्मा. बिना पवित्र आत्मा के हम यहाँ नहीं आ सकते और यीशु मसीह हमको पवित्र आत्मा देकर यहाँ पर पहुँचा देता है और हम देख सकते हैं कि हम यहाँ पहुँच गए और हमारे प्राणों में यानी हमारे माइंड विल इमोशन इन तीन चीज़ों में जो भीतरी मनुष्यत्व जिसे कहते हैं वहाँ पर पवित्र आत्मा का कार्य शुरू हो जाता है और जीवन की रोटी और जीवन की ज्योति हमें मिलने लगती है. और फिर हम जब यहाँ पहुँच जाते हैं तो फिर तीसरा पड़ाव जो बचता है वो बचता है परमेश्वर की उपस्थिति को, ग्लोरीफिकेशन बाय द होली स्पिरिट. ये आत्मा का स्थान है यानी परमेश्वर की उपस्थिति का स्थान. परमेश्वर आत्मा है, उसकी उपस्थिति में हम शरीर के साथ नहीं बल्कि आत्मा में प्रवेश कर सकते हैं और हमारी आत्मा चूंकि निर्जीव अवस्था में होती है इसलिए ये जीवन की रोटी और जीवन की ज्योति ये हमारे अंदर हमारी आत्मा में जीवन पैदा करती है और वो जीवन जो परमेश्वर की ओर से हमें मिलना चाहिए, वो जीवन जो परमेश्वर हमें देना मांगता था, वो जीवन हम प्राप्त करते हैं यानी स्पिरिचुअल लाइफ जिसको कहते हैं आत्मिक जीवन. और हम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, हमारी आत्मा परमेश्वर के उपस्थिति में प्रवेश करती है, यूं कह लीजिए परमेश्वर की उपस्थिति हमारी आत्मा में प्रवेश कर जाती और आ जाती है और बाय द होली स्पिरिट ये काम पवित्र आत्मा के द्वारा पूर्ण होता है. और ये तीन स्टेप हमारे और आपके जीवन में परमेश्वर की योजना के अंतर्गत पूरे होने चाहिए और यही कार्य करने के लिए सबसे पहला काम प्रभु यीशु मसीह ने जो उद्धार का कार्य, जो बलिदान का काम था वो यीशु मसीह ने किया ताकि हम यहाँ से संसार से निकलकर परमेश्वर के आंगनों में प्रवेश कर सकें, उसके उपस्थिति के स्थान के पास तक पहुँच सके. और उसके बाद यीशु मसीह द्वार है और पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह हमें यहाँ पहुँचा देता है यानी यूं कहिए तो पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में आता है वो हमें पवित्र स्थान में लेकर जाता है. और इसीलिए हम लोग पवित्र स्थान में जाकर वहाँ पर हमारा कार्य क्या है, यहाँ पर तो लोग स्तुति किया करते थे लेकिन आराधना का मतलब होता है, वर्शिप का मतलब होता है आराधना और हिंदी में, और आराधना का मतलब होता है कि पूरी तरीके से उसके सामने सीधे सीधे प्रोस्टेट हो जाना यानी दंडवत की दशा में आ जाना यानी टोटल समर्पण को दिखाता है. जब हम वर्शिप यहाँ प्रेज यहाँ पे करते हुए खुशी और आनंद के गीत गाते हुए परमेश्वर के यहाँ पर आते हैं, उसके बाहरी आंगन में प्रवेश करते हैं, उसके बाद पवित्र आत्मा का कार्य हमारे जीवन में होना अत्यंत आवश्यक है. और ये कार्य गंभीरता का कार्य है, ये कार्य मेडिटेशन और स्टडी के द्वारा ही पूर्ण होता है. और फिर यहाँ पर हम परमेश्वर की उपस्थिति में समय व्यतीत करने लगते हैं. पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति बनकर आती है और वो हमें परमेश्वर के वचनों में ले जाकर उसमें हमें बहुत कुछ सिखाती, दिखाती, बताती और सब चीज़ों को व्यक्त दर्शाने लगती है. और ये कार्य पूर्ण होने के बाद जब हमारे प्राणों में परमेश्वर की सच्चाई आ जाती है और प्रभु यीशु मसीह का पूरा दर्शन हमको क्लियर हो जाता है और हमें यह कन्फर्म हो जाता है कि एक ही प्रभु है और एक ही परमेश्वर है और एक ही पवित्र आत्मा है और वो हमें यहाँ पर लाकर सब बातों में जो हमारे लिए शारीरिक तौर पर जब हम यहाँ होते हैं वो बातें, क्योंकि अंदर का दर्शन तो अंदर जाने पे ही मिलेगा, जब हम यहाँ आते हैं तो हमें अंदर का सब दर्शन मिलता है और ये वास्तविक दर्शन होता है जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमको अनुभव से प्राप्त होता है और हमारे अनुभव में आ जाता है. उसके बाद हमें परम पवित्र स्थान
के पास पहुंचने के बाद एक अनुभव मिलता है कि अब इसके बाद हम पर्दे के उस पार जाने वाले हैं, और हमारी उत्सुकता बढ़ जाती है, हमारा आनंद बढ़ जाता है, और फिर हमारा मन इसमें से बाहर यहाँ आने का नहीं करेगा। एक बार जब आप अंदर प्रवेश करेंगे तो आपको बाहर, लेकिन आपको इसके बाद बाहर आने के लिए, तभी तो वो ग्लोरिफिकेशन स्टेट में आपको ले जाकर सिद्ध करता है, ताकि आप वहाँ से यहाँ तक आए और यहाँ से यहाँ तक आना जाना हो, ताकि आपका जीवन उसके लिए सेवकाई का जरिया बन जाए। आप भी परमेश्वर की उस सेवकाई को जो वो हमारे और आपके जीवन से कराना चाहता है, जो आपके और हमारे जीवन को जिस लिए उसने मसीह में चुनकर ऊपर निकाला है, वो इच्छा उसकी हमारे आपके जीवन से पूरी हो, इसलिए हमें आना भी पड़ेगा और हमें जाना भी पड़ेगा, क्योंकि सेवकाई तो यहाँ करनी है और हमें परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर उसके साथ सहभागिता भी करनी है। होली कम्युनियन यानी हम परमेश्वर के साथ पवित्र सहभागिता में, संगति में यहाँ पर रहते हैं, और हम संसार में जाते हैं और संसार में जाकर उसकी इच्छा को पूरा करते हैं, और फिर इच्छा पूरी करने के बाद हम उसकी उपस्थिति में हाजिर हो जाते हैं। यही हमारी और आपके जीवन से उसका उद्देश्य था, और इस मंदिर के द्वारा और इस टैबरनेकल के द्वारा ये बातें हमको दर्शन के रूप में क्लियर होने लगती हैं। और ये सैंक्टिफिकेशन, ये जो जस्टिफिकेशन, द गेट इनटू द कोर्ट, जब आप फाटक से आंगन में प्रवेश करते हैं, ये जस्टिफिकेशन स्टेज को दिखाता है, और सैंक्टिफिकेशन स्टेज द फ्रॉम द डोर इनटू द होली प्लेस, जब आप द्वार से पवित्र स्थान में प्रवेश करते हैं, ये सैंक्टिफिकेशन स्टेज को दिखाता है। और ग्लोरिफिकेशन स्टेज का मतलब है कि वेल व्हेन वी एंटर थ्रू द वेल into the holy place, holy of holies, यानी परम पवित्र स्थान में हम प्रवेश करते करने पाते हैं। और ये काम हमारे और आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह अपनी सामर्थ्य के द्वारा पूर्ण करता है, और उसके बिना ये असंभव है। मैं आपके साथ एक पद पढ़ूंगा इसके विषय में कि ये आप इसको, ये जो मंदिर है, हमारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, तो इस प्रकार से ये हमारी देह है जिसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से मोल लिया। पवित्र आत्मा ने हमको, हमारे भीतरी मनुष्यत्व को शुद्ध किया, और पवित्र आत्मा हमें स्पिरिचुअल लेवल पर ले गया, और पवित्र आत्मा वहाँ से हमारे जीवन से कार्य करने लगा। ये पूरा दर्शन इसमें आपको क्लियर हो सकता है अगर आप ध्यान दें तो। अब मैं आपके साथ इब्रानियों की पत्री उसका 9:8 पढ़ूंगा। 9 अध्याय आप घर में पढ़िए। ऊपर लिखा है पार्थिव तंबू, इस तंबू को यहाँ पर दर्शाया गया है। ये तंबू को आप कभी मत छोड़िएगा, क्योंकि तंबू बहुत महत्वपूर्ण था। इस तंबू के अंदर परमेश्वर ने सारे भेद छिपा के रखे थे, और वो भेद यहीं से प्रकट होंगे, और इसलिए इसमें लिखा हुआ है 9:8 में कि इससे पवित्र आत्मा यही दिखाता है। आज आप देखिए कि पवित्र आत्मा इस तंबू में क्या दिखाना चाहता है। लिखा है कि इससे पवित्र आत्मा यही दिखाता है कि जब तक पहला तंबू खड़ा है, तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ। इसका मतलब, पहले तंबू का मतलब ये है पवित्र स्थान, और ये है परम पवित्र स्थान, ये है पहला तंबू, और ये उस तंबू का दूसरा भाग, जब तक ये वाला हिस्सा खड़ा हुआ है। बहुत से लोग यहाँ पर आकर रुके हुए हैं, और वो उन्होंने यीशु मसीह को स्वीकार किया, और वो इस बात के भूल में पड़े हुए हैं कि हम मसीह में हैं, जबकि अभी वो आंगन में हैं। मसीह में है का मतलब यहाँ पे होना है, और जब तक वो यहाँ पर नहीं है, उसके जीवन में एक स्पष्ट वास्तविक चिन्ह है, जो कोई मसीह में वो नई सृष्टि है। अगर आपके जीवन में आपका स्वभाव नहीं बदला, आपके सोचने का नजरिया नहीं बदला, आप अभी भी फिजिकल बातों में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, आप फिजिकल बातों में ज्यादा ध्यान देते हैं, आप फिजिकल बातों में ज्यादा लिप्त रहते हैं, आप 99% टाइम आपका संसारी बातों में जाता है, आप 24 घंटे में कितने घंटे संसार की चीजों में लिप्त रहते हैं, इसको कैलकुलेट करके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ खड़े हुए हैं। अगर आप यहाँ होंगे तो आपका 99% टाइम परमेश्वर की, पवित्र आत्मा की सहभागिता और पवित्र वचनों के अध्ययन में और उसमें ध्यान लगाने में निकलेगा।
जब यहाँ पर आप होंगे आपका जीवन बिल्कुल बदला हुआ जीवन होगा, आपकी बोली बदली हुई बोली होगी, आपका व्यवहार बदला हुआ व्यवहार होगा। जो कोई मसीह में वो नई सृष्टि, इसका मतलब यहाँ पहुँच गया, और जो मसीह को विश्वास करके अभी तक ठहरे हुए हैं उन्हें अभी मसीह ने ग्रहण नहीं किया, अभी आपने सुसमाचार को ग्रहण किया है और आप यहाँ पे आए हैं, अभी आपको आंगन में आने का की अनुमति मिली है और यहाँ पर आकर बहुत से लोग यहीं पे मगन हो गए और खुश हो गए। आप बीज बोने वाले के दृष्टांत में जाएंगे, वहां पर आपको तीन प्रकार के फल मिलेंगे। अच्छी भूमि पर के वे हैं जो धीरज से परमेश्वर के वचन, वहां पे वचन वो जो बीज है वो गॉस्पल है, बीज द सीड ऑफ द वर्ड मींस द गॉस्पल, और वो सीड जो है वो बीज परमेश्वर के वचन का वो गॉस्पल है, और वो गॉस्पल आपको मिला। और अच्छी भूमि पर के वे हैं, इसमें तीन प्रकार के लोग आएंगे जो धीरज से फल लाते, लिखा कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। आप कौन से वाले स्टेज में हैं और आप कितना आगे जाने की इच्छा रखते हैं, या आप 30 गुना में खुश हैं तो आप यहाँ पे हैं, सबसे बड़ी संख्या यहीं पर होगी 30 गुने वाले में, 60 गुने वाले में उससे थोड़े कम लोग होंगे, और 100 गुने में और कम हो जाएंगे। जितना आप प्योरिटी की साइड बढ़ेंगे उतनी संख्या कम होती चली जाएगी, इस बात को यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इससे पवित्र आत्मा यही दिखाता है कि जब तक पहला थंबू खड़ा है तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ। यहाँ पे पवित्र स्थान का मतलब होली ऑफ होली से है कि परम पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ। ये तंबू वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है, ये तंबू प्रेजेंट टाइम के लिए एक एग्जांपल है, ये बहुत मुख्य है आज वर्तमान समय के लिए, ये बहुत बड़ा आपके लिए एक आईने का काम करेगा, आत्मिक आईने का, कि आप आज कहाँ खड़े हुए स्पिरिचुअली, इसमें आप देख सकते हैं। और लिखा हुआ है कि जिसमें ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं जिनसे आराधना करने वालों के विवेक सिद्ध नहीं हो सकते। आज भी आंगन में ऐसे भेंट और ऐसी बलिदान चढ़ाए जा रहे हैं, आप नजर उठा के देख लीजिए आज क्या हो रहा है, आज कौन से बलिदान चढ़ाए जा रहे हैं और किस प्रकार से चढ़ाए जा रहे हैं। ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जा रहे हैं जिनसे मनुष्य का विवेक सिद्ध नहीं हो सकता, शुद्ध तो छोड़ दीजिए परफेक्ट नहीं हो सकता। आपको प्रभु यीशु मसीह के लहू से शुद्धि मिलती है, आपके किसी कार्य से आपको शुद्धि नहीं मिलती है और ना ही आपके किसी कार्य से आपको सिद्धि प्राप्त होगी। आप सोचेंगे कि हम मिनिस्ट्री कर लेंगे तो सिद्धि प्राप्त करेंगे, सिद्धि मिनिस्ट्री करने से नहीं है, बल्कि सिद्धि प्राप्त करने के बाद आप उसकी सेवकाई के योग्य बन सकते हैं। ये आपके पास आशा है और आपको ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि 10वें पद में लिखा है क्योंकि वे केवल खाने पीने की वस्तुओं और भांति भांति की स्नान विधि के आधार पर शारीरिक नियम है जो सुधार के समय तक के लिए नियुक्त किए गए हैं। उसके बाद यीशु मसीह के लहू की सामर्थ के विषय में शुरू हो जाता है, इसको घर में पढ़िएगा। हम 10वें अध्याय में आ जाते हैं, इब्रानियों की पत्री उसके 10वें अध्याय में यहाँ पर फिर लिखा है क्योंकि इस व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, ये जो तंबू था इसी में एक प्रतिबिंब छिपा हुआ है आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का। आज आपको ये प्रतिबिंब हम दिखा रहे हैं, ये शैडो है, ये परछाई है उस आने वाले की, जो अभी तक हमारे जीवन में आकर उसने अपने कार्य को पूर्ण नहीं किया क्योंकि हमने इस बात को समझा ही नहीं, हमको सही सुसमाचार नहीं मिला, हमको सही तरीके से परमेश्वर का वचन क्लियर नहीं हुआ, अभी तक हमने पवित्र आत्मा नहीं पाया, पवित्र आत्मा के अनुसार हमने परमेश्वर की बातों को नहीं देखा और नहीं समझा, इसलिए ये दशा है। और लिखा है क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है पर उनका असली स्वरूप नहीं, इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकते, नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों ना हो जाता। इसलिए जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी ना ठहराता, परंतु उनके द्वारा प्रतिवर्ष पापों का स्मरण हुआ करता है, क्योंकि यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू और पापों को दूर करे। इसी कारण वो यानी यीशु मसीह जगत में आते समय कहता है, यीशु मसीह जगत में आते समय कहता है बलिदान और भेंट तूने ना चाही। ये परमपिता परमेश्वर से कह रहा है यीशु मसीह जगत में आते समय, बलिदान और भेंट तूने ना चाही पर मेरे लिए एक देह तैयार की। यीशु मसीह के लिए परमेश्वर पिता ने एक देह तैयार की है, एक देह तैयार की है। होम बलि और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ,
तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूँ। यहाँ पर बलिदान अचूक चढ़ाए जाते थे, प्रतिवर्ष चढ़ाए जाते थे, जिनसे लोगों का विवेक सिद्ध नहीं हो रहा था और ना ही लोगों को पापों की क्षमा मिल रही थी। अब आपको एक बात और पता चली होगी, आप शुद्धि पर बहुत ध्यान दे रहे थे, शुद्धि तो अंदर होनी, हमारे मन में, हमारे प्राणों में शुद्धि होनी है, लेकिन हमारे जीवन में सिद्ध भी होना है। अगर हम शुद्ध हैं तो हमारे जीवन में उस चीज को सिद्ध भी परमेश्वर करेगा। जब हमें यहाँ शुद्ध कर देता पवित्र आत्मा, तो पवित्र आत्मा ही हमको सिद्ध भी करता है अपनी सामर्थ के द्वारा। आप इस चीज के लिए अगर एग्जांपल में किसी जिंदगी को देखना चाहते हैं, तो आप पौलुस को ले सकते हैं। पौलुस का जीवन पहले क्या था और फिर पौलुस के जीवन में पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जब वो चुना गया, तो पवित्र आत्मा प्राप्त करने के बाद पौलुस की जिंदगी क्या थी, वो आपको हर जगह मिलेगा। पौलुस बहुत ज्यादा आपको प्रार्थना करता हुआ नहीं मिलेगा, पौलुस आपको बहुत ज्यादा आराधना करता हुआ नहीं मिलेगा। बाइबल के अंदर पहली सदी की कलीसिया में आप जाके देखिए, 9 अध्याय के आगे जाके देखिएगा, प्रेरितों के काम में आपको दिखेगा कि पौलुस ज्यादातर क्या कर रहा था, पौलुस वचन की सेवकाई में लगा हुआ था, क्योंकि पवित्र आत्मा का एक ही काम है लोगों तक सच्चाई पहुंचाना। और पौलुस जगह जगह स्कूल वगैरह में और किसी के घर में लेकर उन्हें शिक्षा दिया करता था, वो पवित्र आत्मा की द्वारा वो लोगों को इस बात से प्रकट करता था कि यीशु मसीह सच्चा प्रभु है और परमेश्वर का पुत्र है और उसके द्वारा उद्धार है, बिना उसके उद्धार नहीं है, बिना उसके कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। इसी तरीके से वो लोगों को क्लियर किया करता था, क्योंकि पवित्र आत्मा का एक ही कार्य है कि यीशु मसीह की बातों को और पिता की बातों को तमाम मनुष्यों के हृदयों में प्रकट करके उनको सिद्ध करना, सिद्धता की ओर ले जाना। वो हमें और आगे ले जाना मांगता है, वो हमें शुद्ध भी करता है और हमें सिद्ध भी करता है, इसलिए हमारे जीवन में उसका बहुत बड़ा स्थान है। आगे देखते हैं, यह लिखा हुआ है ऊपर, तो वो कहता है ना, तूने बलिदान और भेंट और होम बलियों और पाप बलियों को चाहा और ना उनसे प्रसन्न हुआ, यद्यपि ये बलिदान तो व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते हैं, फिर ये भी कहता, देख मैं आ गया हूँ ताकि तेरी इच्छा पूरी करूँ। आता वो पहले को उठा देता है ताकि दूसरे को नियुक्त करे यीशु मसीह। अब आपको हम बताते हैं कलीसिया क्या है। कलीसिया मसीह की देह है। मसीह की देह का मतलब उसकी स्पिरिचुअल देह है, आत्मिक देह है, और आत्मिक देह में हम और आप एक अंग के समान हैं, और हर अंग एक मंदिर है, और बिना मंदिर के उसका अंग बन नहीं सकते। इसलिए परमेश्वर के वचन में पहला कुरिन्थियों उसका छः अध्याय आपके बीच में मैं पद को पढ़ूंगा, ताकि आप भी खोलकर पढ़ें और आप इन बातों को जो हम पद पढ़ते हैं इन्हें स्वयं भी पढ़ें खोल के, ताकि आपको पता चले कहाँ लिखा है और कैसे लिखा है। और यहाँ पर छः अध्याय का 19 पद पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? क्या तुम नहीं जानते ये प्रोटोटाइप टेंपल है? ये जो तंबू था ये प्रोटोटाइप टेंपल है, यानी उस मंदिर का एक ब्लॉक डायग्राम कह लीजिए, ये प्रोटोटाइप टेंपल है। और इसमें परमेश्वर यही दर्शन दिखा रहा था उस जमाने के लोगों को कि देखो मैं किस तरीके से संसार में रहकर और तुम्हें संसार से चुन कर निकालूंगा और तुम्हें अपनी उपस्थिति में ग्रहण करूंगा। इसके लिए ये दिखाया गया है, हमारी आत्मा मृतक अवस्था में है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, संसार में है, हमारी आत्मा निर्जीव है, और जब हम यहाँ आते हैं तो हमारी आत्मा अभी जीवित नहीं हुई है, लेकिन हमको आशा मिल गई है कि हमको अब प्रभु यीशु मसीह ने ग्रहण किया है और हमें पवित्र आत्मा, जिसको यीशु मसीह एक्सेप्ट करता है, सुसमाचार को ग्रहण करके आप यहाँ तक आते हैं, लेकिन यीशु मसीह यहाँ पर से जिसको ग्रहण करता है उसको पवित्र आत्मा देकर यहाँ ले आता है, और जिसको पवित्र आत्मा के द्वारा यहाँ आने का अवसर मिलता है, और अगर वो पवित्र आत्मा के साथ बिल्कुल कदम ताल मिलाकर चले, उसकी इच्छा के अनुसार चले, तो पवित्र आत्मा उसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचा देता है।
इसीलिए तीन लेवल और तीन प्रकार के रिजल्ट अच्छी भूमि पर के आप देख लीजिएगा कि गॉस्पल को एक्सेप्ट करने के बाद भी तीन लेवल वहां पर आपको मिलेंगे, फल तीन मिलेंगे, तीन रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। आज यहां पर देखिए लिखा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। आप परमेश्वर की महिमा अपनी देह के द्वारा कैसे कर सकते हैं? जब आप मंदिर बन गए तो अब आपका इस देह पर कोई अधिकार नहीं। आप इस मंदिर में आत्मा किसका है? अब ये देह उस आत्मा के अनुसार चलनी चाहिए। अब आपका इस जिस्म पर कोई होल्ड नहीं होना चाहिए। आप इसके मालिक नहीं हैं, आप इसके केवल केयर टेकर हैं। मालिक तो अब प्रभु यीशु मसीह है, जिसने आपको अपने लहू के द्वारा खरीदा है, और पवित्र आत्मा यीशु मसीह का रिप्रेजेंटेटिव है जो आपके अंदर है, और वो आपको यीशु मसीह की मर्जी में चलने के लिए प्रेरित करेगा, लेकिन जबरदस्ती नहीं करेगा। इसीलिए रिजल्ट तीन निकल के आते हैं, क्योंकि ना परमेश्वर ने यहाँ जबरदस्ती की, ना यहाँ जबरदस्ती करेगा, ना यहाँ जबरदस्ती करेगा, ना यहाँ जबरदस्ती करेगा। वो आपकी स्वेच्छा पर है, आपका इंटरेस्ट, आपकी चॉइस सांसारिक है, तो आप यहाँ पे आने के बाद भी आपका मन यहाँ लगा रहेगा, आपकी नजरें यहाँ पर गड़ी रहेंगी, आप संसार में क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, इसमें लगे रहेंगे। यू आर बिजी ऑल द टाइम इन द वर्ल्डलीनेस, लेकिन जब आप यहाँ आएंगे और आप यहाँ से भी यहाँ के लिए झांक सकते हैं और आप परमेश्वर के आत्मिक जीवन के लिए, आत्मिक रोटी के लिए, आत्मिक ज्योति के लिए आप ललायित रह सकते हैं। इसीलिए कुलसियों की पत्री उसके तीन अध्याय के पहले पद में लिखा है कि जब तुम मसीह के साथ जी उठे हो तो आसमानी चीजों की फिराक में रहो। आसमानी बातों की नहीं लिखा है, आसमानी वस्तुओं का लिखा है। इसका मतलब यहाँ पर आसमानी वस्तुएं आपको मिलती हैं, आप उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, कि आप यहाँ क्या चल रहा है इसमें इंटरेस्ट लेते हैं, यहाँ क्या चल रहा है इसमें इंटरेस्ट लेते हैं, आप यहाँ पे क्या यहाँ पे हैं तो यहाँ कैसे पहुंचेंगे, इस बात में आपका अगर इंटरेस्ट होगा और आप इसी के लिए समर्पित होंगे तभी आप यहाँ तक पहुंचेंगे। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था कि सकरे मार से जो कठिन है, सकरा है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचता है, यानी जीवन आत्मा के द्वारा है, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। सकरा है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचता है और थोड़े हैं जो उसे उसमें प्रवेश पाते हैं। मैं आपको द्वार के विषय में बताऊं, यहाँ पर लोग आज बहुत जमा है, भीड़ बहुत इकट्ठी हो चुकी है, लेकिन लोगों में अभी बहुत अफरा तफरी मची हुई है। और परमेश्वर के वचन के अनुसार जब हम देखते हैं, यीशु मसीह ने लूका की रचित सुसमाचार 17 अध्याय में एक चिन्ह दिया था, वो चिन्ह आज आप देख सकते हैं। उस चिन्ह के अनुसार लूका रचित सुसमाचार उसके 17 अध्याय के 28 पद को हम पढ़ेंगे, और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे, परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसे ही होगा। यानी लूत का जो यहाँ पर चिन्ह दिया है, ये चिन्ह आपको अभी समझ में नहीं आया होगा, ये बहुतों को समझ में नहीं आया, लेकिन आप पवित्र आत्मा के अनुसार पीछे जाइए, कहाँ का जिक्र है, ये उत्पत्ति 19 अध्याय से बताया जा रहा है। उत्पत्ति 19 अध्याय में लिखा है सदोम की दुष्टता है, आप इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। मैं इसके कुछ पद आपके सामने पढ़ूंगा, 19 अध्याय के 9 पद से मैं इसको पढ़ूंगा आपके लिए, ताकि आप देखें। उन्होंने कहा हट जा, फिर वे कहने लगे तू एक परदेशी होकर यहां रहने के लिए आया पर अब न्यायी बन बैठा, इसलिए अब हम उनसे भी अधिक तेरे साथ बुराई करेंगे। और वे उस पुरुष लूत को बहुत दबाने लगे और किवाड़ तोड़ने के लिए निकट आए, तब उन अतिथियों ने, ये जो स्वर्गदूत आए थे लूत को वहां से निकालने के लिए, ये उन अतिथियों ने हाथ बढ़ाकर लूत को अपने पास घर में खींच लिया और किवाड़ को बंद कर दिया, और उन्होंने क्या छोटे क्या बड़े सब पुरुषों को जो घर के द्वार पर थे अंधा कर दिया। अतः वे द्वार को टटोलते टटोलते थक गए। आत्मिक तौर पर आप देखिए, आज लोग यहाँ पर तो आ गए हैं लेकिन अभी तक उनको द्वार नहीं मिला,
द्वार यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय के 7 पद में और फिर 9 पद में फिर उसने इस चीज को रिपीट किया कि द्वार मैं हूँ, पिता तक पहुंचने के लिए द्वार मैं हूँ। आपको हम फिजिकली दिखा रहे हैं कि आप स्पिरिचुअली कहाँ खड़े हैं और आपको कहाँ होना चाहिए और आप कहाँ जाना चाहते हैं। आपकी चाहत होगी तभी आप आगे जाएंगे। इसलिए लिखा हुआ है कि जो कोई चाहे, यीशु मसीह का जो कोई चाहे मेरे पास आए। चाहत आपकी होगी तभी वो आपको एक्सेप्ट करेगा। हम लोग हमेशा कमी परमेश्वर की ओर टटोलते रहते हैं, हम परमेश्वर की ओर से कमियां देखते रहते हैं। पता नहीं हमने कोई गलती कुछ नहीं की है, तुमने एक ही गलती की है, तुम्हारे अंदर चाहत की कमी है। आज भी लोगों में चाहत नहीं है कि परमेश्वर के प्रति इच्छा हो। कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से कभी भी परमेश्वर के वचन को लेकर बैठता नहीं है, कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के वचन को मेडिटेट नहीं करना मांगता है, कोई भी व्यक्ति गंभीरता से परमेश्वर की आत्मिक बातों को सुनना नहीं चाहता है। गीत सुनने में मन लगेगा और म्यूजिक में बड़ा मन लगेगा, सांसारिक चीजों में बहुत मन लगेगा। इंटरेस्ट आपका, आपकी चॉइस और आपका इंटरेस्ट सारा भेद खोल देती है कि आप किस चीज के लिए जीवित हैं और आपको जीवन में किस चीज की ज्यादा भूख और प्यास है। यीशु मसीह का धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। यीशु मसीह से अच्छा कोई चेक नहीं कर पाएगा किसी को कि कौन कितना भूखा है धार्मिकता का। इसीलिए यहाँ पर पहुंचकर उसने कहा कि परमेश्वर के राज्य उसकी धार्मिकता की खोज करो, यानी द्वार को खोजो, और द्वार आज तक नहीं मिला। वे टटोलते टटोलते थक गए, स्पिरिचुअली सब ब्लाइंड है, और यहाँ पर आकर भी उनको द्वार नहीं समझ में आया। और फिर उसके बाद वहां पे आगे देखिएगा, आप पढ़ेंगे, लिखा हुआ है कि वो लोग वहां से, जब तक वो लोग टटोल रहे थे, लूत को लेकर वो स्वर्गदूत और उसके दोनों बेटियों को और उसकी पत्नी को लेकर वहां से उस शहर से निकल गए। और उनके निकलते ही वहां पर आग और गंधक की बारिश हुई और वो शहर नष्ट हो गया। यह परमेश्वर के न्याय को दिखाता है, और यीशु मसीह के समय में जब परमेश्वर का न्याय आने वाला है, हम उसके बहुत निकट हैं, यही होगा। द्वार तो टटोल नहीं रहे, आप कहाँ खड़े हैं स्पिरिचुअली आप देखना शुरू कीजिए, आप कहाँ खड़े हैं और आपको कहाँ होना चाहिए था और आज आप कहाँ पर हैं। बाय द वे, एक पद मैं आपके साथ पढ़ूंगा कलीसिया को लेकर, चर्च को लेकर। चर्च को लोग अभी तक नहीं समझ पाए हैं। चर्च बिल्डिंग नहीं है और ना बिल्डिंग थी, ये चर्च मसीह की देह है। इसका मेरे साथ, मैं आपके साथ पढ़ूंगा इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय का 9 पद से पढ़ते हैं। उसके चढ़ने से, यानी यीशु मसीह के क्रूसिफिक्शन को बता रहे हैं, उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है, केवल ये कि वो पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था, और जो उतर गया ये वही है जो सारे आकार से ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। यानी कलीसिया क्या है? मसीह की देह, और देह उन्नति पाए। आज आप देखिए, मसीह की देह के अंग अगर उन्नति नहीं पा रहे, इसका मतलब देह उन्नति नहीं पा रही है। बिल्डिंग की उन्नति हो रही है, बिल्डिंग की सजावट की उन्नति हो रही है, और शान और शौकत की उन्नति हो रही है, लेकिन कलीसिया मसीह की देह है और देह के अंग हम और आप हैं। अगर हमारी और आपकी उन्नति नहीं हो रही है तो कलीसिया की उन्नति नहीं हो रही है। हमारा नजरिया गलत है। अगर हम इस नजरिए से देखें तो कुछ नहीं हो रहा, बल्कि नुकसान हो रहा है, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए। पवित्र लोगों को सिद्ध होना है, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं। हमको एक सिद्ध मनुष्य बनना है, यानी मसीह की देह है, उसमें हम अंग हैं, हम नहीं दिखेंगे, लेकिन हम सब मिलकर उस स्पिरिचुअल बॉडी को रिफ्लेक्ट करेंगे जिसे हम यीशु मसीह कहते हैं। मसीह की देह को हम प्रकट करने के लिए हमको रखा गया है, और इसीलिए पवित्र आत्मा के बिना ये कार्य असंभव है।
और लिखा हुआ है, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं और मसीह के पूरे डील डॉल तक ना पड़ जाएं, ताकि हम आगे को बालक ना रहें जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हों, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं, जिसमें सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गटकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है अपने आप को बढ़ाती है कि वो प्रेम में उन्नति करती जाए। और यहाँ पर आप इसको पीछे जाके देखेंगे तो हम एक पवित्र मंदिर बनते जाते हैं। इसके इफिसियों की पत्री 2 अध्याय और उसके 20 पद को लिखा है, और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। ये है कलीसिया, ये है चर्च। अगर अभी तक लोगों को चर्च बिल्डिंग समझ में आ रहा है, चर्च को वो मंदिर समझ रहे हैं, मंदिर नहीं है। मंदिर तो हमारी देह है आत्मिक जीवन में, स्पिरिचुअली एज पर द न्यू टेस्टमेंट, और हमारी देह उसका मंदिर है और उसके सारे मंदिरों से मिलकर जो स्पिरिचुअल बॉडी बनती है उसे चर्च कहते हैं, उसी को कलीसिया कहते हैं। आज आपको सत्य को देखने की जरूरत है कि आज आप कहाँ खड़े हैं आत्मिक तौर पर और आपको आगे जाने की चाह है या नहीं है। आप जिसको जिस जगह पर हैं आप वहीं संतुष्ट हैं। परमेश्वर आपसे कभी जबरदस्ती नहीं करेगा। शुरू से लेके देखिए आज तक परमेश्वर ने कभी किसी के साथ जोर आजमाइश नहीं की। जो कोई चाहे, चाहत तुम्हारी होगी और परमेश्वर की सामर्थ होगी। जब तुम चाहत रखोगे तब तुम्हारे जीवन में उसकी सामर्थ प्रकट होगी। क्या आज, यदि तुम आज उसकी आवाज़ सुनो तो अपने हृदय को कठोर ना करो। इस बात को रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप भी परमेश्वर की आवाज़ को सुन सुन के, कई बार हम वचन के सुनने के आदि हो जाते हैं, हमें चर्च जाने के हम आदि हो जाते हैं, प्रेज एंड वर्शिप करने की आदत पड़ गई, हम इन सब चीज़ों को आदत अनुसार कर रहे हैं, लेकिन हम इन चीज़ों को आउट ऑफ द कॉन्शियसनेस कर रहे हैं, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है आंगन वाला पार्ट, ये हमारा देह को दिखाता है और ये जो पवित्र स्थान है ये हमारे प्राण को दिखाता है, सोल, और ये स्थान जो है ये हमारी आत्मा को दिखाता है। आज आपकी आत्मा किस अवस्था में है, आपका प्राण कैसा है, उसमें जीवन की रोटी और जीवन की ज्योति है कि नहीं है, या आपका शरीर आज कहाँ पर है, ये तो संसार में रहेगा क्योंकि ये संसार से जुड़ा हुआ है। जो शरीर है ये वर्ल्ड कॉन्शियसनेस से भरा हुआ है, संसार की सारी जानकारी आपके बॉडी में है। ये हमें 5 सेंसेस दिए गए हैं ताकि संसार से हम संपर्क रखें और ये 5 सेंसेस हमको संसार में बिजी रखते हैं। और इसके बाद दूसरा पार्ट आता है प्राण। प्राणों में हमारे 3 चीजें हैं जो हमारी संसार में ज्यादा लिप रहती, जहाँ हमारे सेंसेस हैं वहीं हमारे प्राण भी लगे रहते हैं, तो हम शरीर की और मन की इच्छा पूरी करने में लगे रहते हैं। ये हमारा सेल्फ कॉन्शियसनेस पार्ट होता है, प्राण हमारा सेल्फ कॉन्शियसनेस पार्ट है और स्पिरिट हमारा गॉड कॉन्शियस पार्ट है। और गॉड कॉन्शियस पार्ट में अभी परमेश्वर से के संबंधित परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जो हमें परमेश्वर का दर्शन होना चाहिए वो अभी तक नहीं हो पाया है, क्योंकि हम अभी उस स्तर पे नहीं गए हैं। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो परमेश्वर मूसा ने उससे कहा था कि 3 दिन के सफर पर हमें जाने दे ताकि हम परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाएं। वो 3 दिन का सफर, ये 3 स्टेप्स हैं जो आपको और हमको अपने जीवन में पूरी करने हैं, और ये 3 स्टेप आज तक लोग नहीं पूरे कर पाए। मूसा आदम को जब शैतान ने उसको उसके सामने परीक्षा की थी तो उसको 3 ही चीजों में गिरा दिया था, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड, और ये 3 चीजें हमें यहीं पे गिरा देती हैं। आगे को तो छोड़ दीजिए, हम आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड, आंखों की अभिलाषा, ये जीविका का घमंड शरीर, आंखों की अभिलाषा ये हमारा प्राण, और शरीर की अभिलाषा ये हमारी आत्मा का विरोध है। ये 3 स्टेप, ये 3 सवालों में ही, और हम इन 3 सवालों में ही गिर जाते हैं। हम इस लायक नहीं होते कि यीशु मसीह के बिना हम यहाँ नहीं आ सकते और पवित्र आत्मा के बिना हम आगे नहीं जा सकते। आज आपको इसमें
जो दर्शन देखना है उसको देखिए, अपने आप को देखिए कि आज आप स्पिरिचुअली किस हालत में हैं और किस जगह पर मौजूद हैं, और आप आगे जाने की इच्छा रखते हैं अभी भी कि नहीं। क्योंकि अगर आगे जाने की इच्छा नहीं है, परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करेगा। और जो कोई बाहर आना चाहता है वापस, कि नहीं भैया हम तो वापस जाएंगे, वो वापस जा सकता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी किसी को कहीं बांध के नहीं रखा। उसने स्वतंत्र किया है कि जो कोई चाहे, जो ना चाहे वो जा सकता है, जो चाहे वो आगे जा सकता है और वापस जाना चाह सकता है, जो कुछ चाहे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा के लिए और पवित्र वचनों के लिए, जिसके अंतर्गत उसने सब वो चीज़ें जो हमारे आत्मिक जीवन से संबंध रखती हैं वो रखी हैं। बिना पवित्र आत्मा की यह आपको समझ में भी नहीं आएंगी, और पवित्र आत्मा आपको केवल समझाता नहीं बल्कि दिखा कर समझाता है, ताकि आप देखो कि आप कहाँ हो और आपका जीवन कैसा है, और आप परमेश्वर के कितने ऋणी हो, यीशु मसीह के कितने कर्जदार हो। बिना उसके घमंड की तो कोई जगह ही नहीं, बिना यीशु मसीह के हम कुछ प्राप्त नहीं कर सकते और ना कुछ कर सकते हैं। इसलिए हम संसार में परेशान हो रहे हैं, सड़ रहे हैं, गल रहे हैं, और संसार के ऊपर परमेश्वर का न्याय आने वाला है। और आपको ताजुब की बात बताएं, परमेश्वर के वचन में, नए नियम में लिखा है कि जब परमेश्वर का न्याय अपने घर से शुरू होगा तो उनका क्या होगा जो परमेश्वर को नहीं जानते, और परमेश्वर का घर उसकी कलीसिया है। परमेश्वर कलीसिया से ही न्याय की शुरुआत करने जा रहा है, और आपके पास समय बहुत कम है। आपको निर्णय लेना है, आप आगे जाना चाहते हैं या संसार में रहना चाहते हैं, आप जहां पर हैं वहीं रहना चाहते हैं या आप आगे जाना चाहते हैं। निर्णय आपके हाथ में है, क्योंकि हर व्यक्ति को अपना निर्णय लेने का अधिकार है। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, जो दर्शन का आत्मा है वो हमें वो चीज़ें दिखाता है जिसको देखकर हम निर्णय ले सकते हैं, और जिसको देखकर हमको ये पता चलता है कि हम क्या हैं और हमको क्या होना चाहिए था, और आज हम कहाँ हैं और हमको कहाँ होना चाहिए था। हम धन्यवाद करते हैं जितने लोग प्रभु इस वीडियो के द्वारा इन बातों का अध्ययन करते हैं, इसको सुनते हैं, केवल सुनने वाले ना हो, इसको समझें और इसको समझकर इसमें अपने आप को देख सकें कि आज उनका शरीर, उनका प्राण और उनकी आत्मा की क्या दशा है, और ताकि उनको यीशु मसीह का महत्व मालूम चले, उनको पवित्र आत्मा का महत्व मालूम चले, और उन्हें ये पता चले कि पिता हमसे कितना प्रेम करता है, कि उसने हमारे लिए एक मार्ग रखा है और वो सत्य का मार्ग है, और उसमें जीवन मिलता है, और वो यीशु मसीह है। हे पिता परमेश्वर, हमारी मन की आंखों को ज्योतिर्मय कर, ताकि सुसमाचार का प्रचार हर एक सुनने वाले के हृदय में चमके और आपका नाम महिमा पाए। परमपिता परमेश्वर, आपके इकलौते पुत्र यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।